पठानकोट हमले पर भारत ने अल्टीमेटम का पासा फेंक दिया है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि सबूत दे दिए गए हैं, अब कार्रवाई की बारी है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकी हमले के दोषियों पर पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई होने पर ही बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन। भारत ने पठानकोट हैंडलर्स की पहचान कर ली है। पठानकोट हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान के पंजाब स्थित माकज में रची गई थी। इनकी पहचान मौलाना अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर, कासिम जान और एमएम अजहर के तौर पर हुई है। ये हैंडलर्स पाकिस्तान में रहकर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नवाज शरीफ ने अधिकारियों को भारत से मिले सबूतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आज तक को मिली अहम जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान 3 दिनों के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पठानकोट हमले में चूक की जांच तेज हो गई है। बीएसएफ के डीआईजी जांच की रिपोर्ट 15 दिनों में सौंप देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि एसपी सलविंदर सिंह के चरित्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। एक बार मामले की जांच पूरी हो जाए उसके बाद ही कोई बयान जारी किया जाएगा। एनआईए चीफ शरद कुमार पठानकोट हमले की जांच की गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं। एयरबेस पर आतंकी हमले के निशान पर एनआईए चीफ ने जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। एनआईए की टीम ने सरहद के गांवों का भी जायजा लिया जहां से आतंकी घुसे हों। पठानकोट हमले में शहीद गुरसेवक के पिता ने सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही गुरसेवक के पिता ने एयरफोर्स स्टेशन पर गुरसेवक की मूर्ति लगाने की भी मांग की है। इसी बीच सेना के अधिकारियों ने गुरसेवक के घर वालों से मुलाकात की और गुरसेवक की जाबाजी के किस्से बताए। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले के बाद भी यूपी में सुरक्षा एजेंसियां सबक लेने को तैयार नहीं। बांदा में सेना की वर्दी खुलेआम बेची जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोग शौकिया इन कपड़ों को खरीदने आते हैं। आपको बता दें कि बांदा के चरखारी और नौगांव में आर्मी बेस है। पठानकोट हमले में आतंकियों ने सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया था। अलकायदा के एक संदिग्ध मौलाना अंजर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मौलाना अंजर को बेंगलोर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे 20 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना अंजर भारत में अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़ा था और भारतीय उपमहाद्वीप अलकायदा के चीफ मौलाना आसिम उमर के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया संदिग्ध मौलाना अंजर भारत में अलकायदा के बेस को स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद भी कर रहा था। पश्चिम बंगाल के बिधाननगर पुलिस ने आतंकियों से रिश्ते के शक में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स सुरजीत दत्ता के पास से कई फर्जी पासपोर्ट मिले जो पंजाब में बनाए गए थे। दत्ता से पूछताछ के बाद पुलिस ने बाकी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि दत्ता की पत्नी ने आतंकियों से किसी भी तरह के रिश्ते से साफ इनकार किया है। दिल्ली में ऑड इवन के प्लान पर आज बड़ा दिन है। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट सौंपेगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या योजना को 8 जनवरी तक खत्म किया जा सकता है। आज दिल्ली सरकार प्रदूषण पर 1 हफ्ते का डेटा पेश करेगी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला लेगी कि ऑड इवन प्लान आगे भी जारी रखा जाए या फिर रद्द कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले के खिलाफ दी गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। बीते साल 28 दिसंबर को सरकार ने ऑड इवन स्कीम के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए। याचिका में 2000 रुपए के जुर्माने पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की केजरीवाल सरकार के फैसले पर आज स्कूल एसोसिएशन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का ऐलान किया है, जिससे स्कूल खफा है। नए फॉर्मूले के तहत दिल्ली में एडमिशन के लिए 75% सीटें आम बच्चों और 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए होंगी।
जम्मू कश्मीर की सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब उनकी बेटी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के हाथों में राज्य की कमान होगी। महबूबा मुफ्ती आज सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। महबूबा मुफ्ती के शपथ लेते ही वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। महबूबा फिलहाल अनंतनाग से सांसद हैं। दिल्ली के एम्स में 79 वर्षीय मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था। शीत सत्र में अटके पड़े जीएसटी बिल पर बजट सत्र में सहमति बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। जीएसटी बिल पर मोदी सरकार ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से सहयोग मांगा है। इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात करके वेंकैया नायडू ने बजट सत्र जल्द बुलाने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस जीएसटी विधेयक में बदलाव की मांग पर अड़ी हुई है। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नए चेहरों की तलाश तेज हो गई है। फिलहाल 4 सितारों के नामों पर चर्चा हुई है। अतुल्य भारत कैंपेन की रेस में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के नाम हैं। उधर अतुल्य भारत कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटाए जाने पर आमिर खान ने कहा कि वो ब्रांड एम्बेसडर रहे या नहीं, भारत हमेशा अतुल्य रहेगा। आमिर खान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटाने की वजह इस कैंपेन की कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होना है। तय वक्त से पहले जेल से संजय दत्त की रिहाई पर ग्रहण लग सकता है। मुंबई हाईकोर्ट में संजय दत्त की रिहाई रोकने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर एक हफ्ते में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त के जेल में अच्छे व्यवहार को देखते हुए 27 फरवरी को रिहाई के आदेश दिए हैं। 1993 धमाकों में दोषी पाए गए संजय दत्त 42 महीने से सजा काट रहे हैं। पुणे में एफटीआईआई के चेयरमैन के तौर पर गजेंद्र चौहान ने पद संभाल लिया है, लेकिन उनका जमकर विरोध हुआ। छात्रों ने गजेंद्र चौहान के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस दूसरी जगहों पर गाड़ियों में भरकर ले गई। छात्र गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर 139 दिन आंदोलन भी कर चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम जन्मभूमि पर होने वाले सेमिनार पर सियासत गर्मा गई है। एनएसयूआई ने गुरुवार को कुलपति का घेराव किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इस साल के आखिर से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा और वो इस पर 9 जनवरी को एक सम्मेलन में एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। मौसम विभाग की रिपोर्ट में अब खराब मॉनसून की स्थिति में मेट्रोलॉजिकल ड्राउट यानी कि सूखे का जिक्र नहीं होगा। पूरे सीजन में 10% तक कम बरसात पर सामान्य बारिश माना जाएगा। कई बैठकों के बाद मौसम विभाग ने अपने तमाम मानदंडों में बदलाव करने का फैसला किया है। मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की खूब झड़प हुई। कोर्ट कैंपस के बाहर बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते थे। बीजेपी विधायक संगीत सोम और सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी इस भीड़ में मौजूद थे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। यूपी के फतेहपुर में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर निवेदिता सिंह ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार किरण देवी को हराया। जीत के बाद बीजेपी समर्थकों ने निवेदिता सिंह का जोरदार स्वागत किया। निवेदिता सिंह ने कहा है कि अब हमारी प्राथमिकता जनता की समस्या को सुलझाने की है। यूपी के हाथरस में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीएसपी ने जीत दर्ज कराई है। बीएसपी उम्मीदवार विनोद उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ओमवती यादव को एक वोट के अंतर से हराकर चुनाव में जीत हासिल कर ली। 25 सदस्यों वाली जिला पंचायत में बीएसपी उम्मीदवार को 13 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 12 वोट हासिल हुए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने नासिक में अजीबोगरीब बयान दिया। एक कार्यक्रम में 5-6 लोगों के भाषण देने के बाद जब सुप्रिया सुले का नंबर आया तो महिलाएं तब तक ऊब चुकी थी। इसी माहौल को हल्का करने के लिए सुप्रिया सुले ने अजीब बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि संसद में जब सांसद भाषण से ऊबते हैं तो एक दूसरे से साड़ी पर गप्पे मारते हैं, लेकिन देखने वालों को लगता है कि हम देश की समस्या पर बात कर रहे हैं। चेन्नईच्या खासदाराशी बोलत असेल तर तुम्ही म्हणणार बापरे, काही काहीतरी चेन्नईच्या खासदाराच्या एवढा पाऊस झाला तिथे त्याचं काहीतरी मोठी चर्चा करत असतात, असं काही चर्चा आम्ही करत नसतो। तुझी साडी कुठून आणली, माझी कुठून आणली, अशा सगळ्या गप्पा होत असतात। ठाणे में चड्डी बनियान गैंग ने एक गार्ड को पत्थर से मार मार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये गैंग एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में चोरी के इरादे से पहुंचा था।
लेकिन जब गार्ड ने विरोध किया तो उसे इन बदमाशों ने जख्मी कर दिया। वारदात की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद भी हो गई। स्थानीय लोग इसके पीछे पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सुपारी लेने वाले ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। ढोंगी बाबा को एक महिला ने अपने पति और उसकी सौतन को मारने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उससे पहले ही पति ने साजिश पर से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने ढोंगी बाबा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। भिवंडी पुलिस थाने में केस दर्ज करके मामले की जाँच की जा रही है। मुंबई में सिंगर वंदना वढेरा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। वंदना के मुताबिक जब वो एयरपोर्ट से रात 1 बजे अपने घर लौट रही थी, तभी एक पुलिस वाले ने उनकी कैब रोककर उनके साथ बदतमीजी की। 35 साल की सिंगर ने अपनी शिकायत में बताया कि एक कांस्टेबल ने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा कि वो बिल्कुल विदेशी वेश्या जैसी नजर आ रही है। वंदना की शिकायत पर पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गयी है। यूपी के शाहजहांपुर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर जमकर बवाल हुआ। दलित समाज के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और हंगामा किया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद ही मामला शांत हो सका। पुलिस के मुताबिक कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए मूर्ति तोड़ी है। अलीगढ़ के बेगमबाग में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। एक पिता ने खुद ही अपनी पत्नी और दो बेटियों को गला दबाकर मार डाला और फिर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि घरेलू झगड़े की वजह से पिता ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मामूली कहासुनी के बाद गोली चली, जिसमें दोबड़ा गांव के सरपंच की बेटी घायल हो गई। लड़की को जयपुर रेफर कर दिया गया है। फायरिंग करने के बाद आरिफ नाम का युवक फरार हो गया, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। जोधपुर में डीएम दफ्तर के बाहर किसानों ने धरना दिया। बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 5,000 किसान धरने पर बैठे। किसानों ने कृषि बीमा सरकारी समितियों से लोन से जुड़ी समस्याओं को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। हावड़ा कॉलेज में तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने इनमें से 3 पर गैर जमानती वारंट लगा दिया है। तोड़फोड़ की वजह से कॉलेज की प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियों में इन लोगों ने आग लगा दी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया, जिसमें बीजेपी के 4 समर्थक घायल हो गए। पीड़ित कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार में रंगदारों से सड़क निर्माण में लगी कंपनियां परेशान हो गई है। दीघा से दीदारगंज के बीच बन रहे 23.5 किलोमीटर लंबे गंगा ड्राइववे प्रोजेक्ट पर रंगदारों ने नजरें तरेर दी है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने नीतीश सरकार से रंगदारी के लिए धमकी मिलने की शिकायत की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराने का दावा किया है। 3,200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास खुद नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2013 में किया था। फिल्म वजीर में नए अवतार में दर्शकों के सामने आ रहे हैं अमिताभ बच्चन। बिजॉय नाम्बियार की फिल्म वजीर आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अमिताभ के अलावा फरहान अख्तर, नील नितिन मुकेश, अदिति राव हैदरी हैं। ये मारधार से भरपूर एक रोमांचकारी और मनोरंजक फिल्म है। बिग बी इस फिल्म में तेज दिमाग के साथ एक दिव्यांग शख्स की भूमिका निभा रहे हैं।